हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अलीशा महाजन फ्रॉम द बर्निंग लर्निंग डिज़ायर और आज मैं आपके सामने लाई हूँ इंडियाज़ रैंकिंग इन ऑल इंडेक्सेस 2017 द डिटेल्स। दैट इज़ इंडिया का रैंक क्या है बाकी कंट्रीज़ के साथ कंपेयर करके और टॉप मोस्ट रैंक पे कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। इस पे यूजीसी नेट एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन ज़रूर आता है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। 2017 का हमने इसीलिए लिया है क्योंकि अभी तक 2018 का डाटा जो है वो नहीं आया है, उसको आने में अभी काफ़ी महीने लग जाएंगे, तो इसीलिए हम 2017 के सारे इंडेक्सेस कवर करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का मतलब है कि कौन सा देश कितने लेवल पर तरक्की कर रहा है, डेवलपमेंट कर रहा है। तो हमारा रैंक है 131 अमंग 188 कंट्रीज़। इट मींस हमारे इंडिया का रैंक यहाँ पर बहुत लो होता है इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ये पब्लिश की थी रिपोर्ट यूएनडीपी ने, तो जहाँ पर यूएनडीपी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम या वर्ल्ड बैंक आ जाए, उनकी रिपोर्ट्स आ जाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो जनरली एग्ज़ाम्स में पूछ ली जाती हैं, तो इसलिए आपको इस बात पर बहुत ध्यान रखना है। प्रीवियस रैंकिंग थी हमारी 130, जो कि एक से हमारा रैंक बढ़ गया है। इट मींस हमारी डेवलपमेंट जहाँ पर 130th नंबर पे होती थी, 131 पे होगी। इट मींस हमारी रैंकिंग एक से लो हुई है, सो दिस इज़ अ बैड साइन। ऑल दो एक आधी रैंकिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन स्टिल दिस इज़ अ डाउनवर्ड स्लोप। तो 130 से 131 पे जाना, इट्स बैड साइन। तो टॉप थ्री कंट्रीज़ हैं हमारे पास नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, स्विट्ज़रलैंड। नॉर्वे है सबसे फर्स्ट पे, इट मींस सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट हो रही है ह्यूमन की नॉर्वे में, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, देन स्विट्ज़रलैंड। यूएनडीपी के हेडक्वार्टर्स है न्यूयॉर्क में और उनके डायरेक्टर है एचिम श्रीनम। इसके बाद आता है हमारा ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स, कि हम बाकी देशों के साथ कितना ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, कौन सी कंट्री बाकी कंट्रीज़ के साथ हाईएस्ट नंबर पे कनेक्ट कर रही है और कौन सी लीस्ट पे कनेक्ट कर रही है, इसके बारे में हमें पता करना है। तो इंडिया का रैंक है 43 अमंग 50 कंट्रीज़। इट मींस इंडिया का रैंक यहाँ पर भी लो दिखाया गया। ये कंट्री, ये हमारी रिपोर्ट किसने करी थी, आईसीटी के, और आईसीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि ये जो इंडेक्स है वो आईटीसी से रिलेटेड है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और ये आपने सुना ही होगा, ये ब्रांड जो है वो फ़ोन्स का, ठीक है, हुवाई। और इस प्रीवियस रैंकिंग थी हमारी 44, तो इट मींस कनेक्टिविटी में हम एक स्टेप आगे आ गए हैं, एक रैंक हमारा आगे आ गया है। टॉप थ्री कंट्रीज़ हैं हमारी यूएस, सिंगापुर और स्वीडन। यूएस आपको बहुत सारी रैंकिंग्स में नंबर वन मिलेगा। उसके बाद इनका जो हेडक्वार्टर्स है वो है शेंजन में, और इनके शेंजन चाइना में, और इसके सीईओ है रेन जेंगफी। उसके बाद आता है हमारा वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे का मतलब है कि हमारी मीडिया को, हमारी प्रेस को कितनी फ्रीडम दी जाती है बोलने में, अपने एक्सप्रेस करने में व्यूज़। तो इंडिया का रैंक बहुत लो होगा, 136 अमंग 180 कंट्रीज़, क्योंकि इंडिया की जो प्रेस होती है वो जनरली खरीदी हुई होती है। दैट इज़ जो आप न्यूज़ चैनल्स देखते हैं उसमें काफ़ी न्यूज़ जो होती है वो फेक होती है, या वो एक ही पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते हैं। लाइक इफ़ प्राइम मिनिस्टर इज़ इन पार, देन मतलब बीजेपी के है ना नरेंद्र मोदी, तो वो उनके फेवर में बोलेंगे ज़्यादा, तो ऐसा होता है। कश्मीर इश्यूज़ में वो नहीं, वो ढंग से वो उनकी बात रखेंगे, तो ऐसी चीज़ें यहाँ पर होती है। तो अगर बहुत ज़्यादा करप्शन है इस चीज़ में, प्रेस की फ्रीडम में भी, तो उसका रैंक हमारा हमेशा लो जाएगा, और इंडिया का रैंक आप हमेशा देखेंगे कि कभी 100 से नीचे नहीं आएगा। ये रिपोर्ट किसने करी है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, और प्रीवियस रैंकिंग थी इसकी 133। इट मींस हमारा रैंक फ्रीडम में और बुरा हो गया, 3 रैंक से हम नीचे गिर गए हैं। और इनके हमारे टॉप 3 कंट्रीज़ हैं नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड, और इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, पेरिस एंड फ्रांस, एंड इनके डायरेक्टर जनरल है क्रिस्टोफे डेलॉयर। तो आपको ये साथ में स्क्रीनशॉट्स लेते जाना है ताकि आप इसको अच्छे से कर सके और इसको याद कर सके, इसे बार बार मेमोराइज कर सके। उसके बाद है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। इंडिया का ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस मतलब कौन सी कंट्री में सबसे ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है और सबसे ज़्यादा ईजिली कोई बिजनेस कर सकता है। तो इंडिया में रैंक 130 है अमंग 190 कंट्रीज़, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ऑलरेडी हर एक फील्ड में आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, तो कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो उसमें कॉम्पिटिशन इंडिया में बहुत ज़्यादा है, तो इसीलिए इंडिया का रैंक नीचे है बहुत ज़्यादा, 130। पहले इंडिया का रैंक था
131 और अब उससे कम होकर 130 हो गया है. इट मींस एक इसमें हमने अच्छा काम किया है, एक रैंक से हम आगे बढ़े हैं. ये रिपोर्ट जो है वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप ने पब्लिश करी थी, और वर्ल्ड बैंक हो, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम हो या UNDP हो, उसके द्वारा अगर कोई रिपोर्ट आई हुई है तो उसको अच्छे से कर लेना. टॉप 3 कंट्रीज़ हैं हमारे पास न्यूजीलैंड, सिंगापुर एंड डेनमार्क. वर्ल्ड बैंक ग्रुप्स के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? Washington DC, एज़ यू ऑल नो. और इसके प्रेसिडेंट है जिम योंग किम. उसके बाद FDI इंडेक्स होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कॉन्फिडेंस इंडेक्स. बाकी कंट्रीज़ को आप पे अगर कॉन्फिडेंस होगा तो ही वो आपकी कंट्री में आएंगे और फॉरेन इन्वेस्टमेंट करेंगे. लाइक हमारा क्या कहते हैं डोमिनोज वगैरह, ये सब आकर हम यहाँ पर FDI कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड साइन. तो इंडिया का रैंक 8th पोजीशन पे है 25 कंट्रीज़ में. क्यों? ये दोनों पर्सपेक्टिव से अच्छा है. इंडिया के लिए इसलिए अच्छा है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है, और उसको अगर उसके यहाँ पर बहुत ज़्यादा FDIs होंगे तो हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा होगा. और बुरा और दूसरी कंट्रीज़ के लिए अच्छा इसलिए है क्योंकि वो यहाँ पर आ सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकती है, क्योंकि इंडिया के जिस हिसाब से पॉपुलेशन है तो अपने कंट्री के कंपैरेटिवली वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अर्न कर लेते हैं. ये रिपोर्ट हमारी पब्लिश हुई थी बाय टी कर्नी ने, और उनका पिछला रैंक था 9th. इट मींस हम एक रैंक से और आगे बढ़े हैं यहाँ पर. टॉप 3 कंट्रीज़ हमारी US, जर्मनी और चाइना. और ये US में ही ये इनके हेडक्वार्टर्स हैं, मींस ये पब्लिश रिपोर्ट भी टी कर्नी ने की थी. टी कर्नी के हेडक्वार्टर्स US में है. इट मींस US ने ही इस इंडेक्स को बताया और US ही इसमें टॉप कर रहा है. इनके CEO है जॉन ऑरिक. उसके बाद आता है ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स. ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है कि हम बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले कितने कॉम्पिटिटिव हैं, कितना ज़्यादा हमारे यहाँ के लोग अच्छे हैं, कॉम्पिटिटिव हैं, पूरे बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले अच्छे हैं हर फील्ड में, इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी और इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग. तो हमारा रैंक है 40 अमंग 137 कंट्रीज़. बीइंग अ पॉपुलेटेड कंट्री हमारे यहाँ पर इसका रैंक बहुत अच्छा है, और ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने ये डिसाइड किया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. हमारा प्रीवियस रैंक था इसका 39, जो कि बढ़कर हो गया है 40th पे. इट मींस हम इसमें एक रैंक डिक्रीज करे हैं इस साल में हमने. तो टॉप 3 कंट्रीज़ है स्विट्ज़रलैंड, US एंड सिंगापुर. और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के हेडक्वार्टर्स है हमारे कोलोगनी स्विट्ज़रलैंड में, और इसके फाउंडर है क्लॉस स्वाब. ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स के बाद आता है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स. ह्यूमन कैपिटल क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल मींस कि कैपिटल जनरली होता है अमाउंट इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस, और ह्यूमन कैपिटल का मतलब है कि ह्यूमन इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस. कितने लोग हमारे इंडिया के हैं जो कि इस इंडेक्स को इस इंडेक्स में इनका रैंक है उसका. इसलिए इंडिया का रैंक हमारा 103 है इस 130 कंट्रीज़ में. ये रिपोर्ट पब्लिश करी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में, और प्रीवियस रैंक था हमारा 105. तो ह्यूमन इंडेक्स कितना है, मींस कितने ज़्यादा लोग हैं, तो इसका रैंक हमारा है 103 अमंग 130 कंट्रीज़. तो ये बहुत नीचे है इसका रैंक. टॉप 3 कंट्रीज़ है हमारी नॉर्वे, फिनलैंड और स्विट्ज़रलैंड. और हमारे इनके हेडक्वार्टर्स हैं कोलोगनी स्विट्ज़रलैंड में, और इसके फाउंडर एंड CEO हैं क्लॉस स्वाब. उसके बाद आता है हमारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स. ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या है कि कौन सी कंट्री कितनी ज़्यादा इनोवेशन कर रही है, उसके बिहाफ पर हमने ये इंडेक्स डिसाइड करा है कि इनोवेशन कोई भी नई टेक्नोलॉजी ले आना तो दैट इज़ इनोवेशन. तो इंडिया का रैंक 60 है अमंग 130. इट मींस इंडिया में बहुत ज़्यादा स्कोप है इनोवेशन का. तो रिपोर्ट ये पब्लिश हुई थी कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, इंसीड और वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा. तो इट मींस